नमस्कार दोस्तों, यजडेडा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अम्बानी और हर हफ्ते हम अलग अलग शख्सियत से बात करते हैं यजडेडा के माध्यम से। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि एक आर्टिस्ट है, एक प्रोफेसर है, एक सोशल वर्कर और हाल ही में वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करने वाली है, अवंतिका माथुर जी। पहले तो यजडेडा में आपका समय देने के लिए धन्यवाद मैम। और मैंने जितने भी अभी रोल बोले, क्या आप हैंडल करते हो ये सारे रोल? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी योर एंड हाँ, मैं करती हूँ ये सारे रोल, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, लाइक सब एक्टिविस्ट, सब कुछ। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, तो आप इतने सारे रोल हैंडल करते हो, तो आप किस तरह से ये सारे रोल हैंडल कर लेते हो? सी, लाइफ में मैंने एक सीखा है कि यार, दिन तो उतने ही होते हैं, 24 आवर्स वाले, उसके अंदर से आपको जितना करना है, वन लाइफ, सो डू एवरीथिंग। जनरली ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड, माय प्रोफेशन इज आर्टिस्ट, मैं पेंटर हूँ और मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, बट डूइंग सोशल वर्क इज ऑल्सो, मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू ही सोशल वर्क करती हूँ, एक्टिविज्म भी आर्ट के थ्रू ही करती हूँ, सो मेरा मेजर आर्ट ही है, बट उसी टूल के थ्रू आई डू ऑल माई अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। आर्ट आपकी लाइफ में कौन सा रोल प्ले करती है? मुझे आर्ट में हमेशा बचपन से ही बहुत शौक था, फ्रॉम स्कूल से लेके पेंटिंग करना, स्कूल में भी मतलब आर्ट डायरेक्टर बनना, मैगजीन के, फिर टीचर के बोर्ड वोर्ड सब कुछ करना, उसी से स्टार्ट हुआ था। जब मैंने पढ़ाई के लिए जब सोचा था कि लाइफ में आगे क्या करना है, पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्ट्स में ही कुछ करना है, बिकॉज मुझे लगता है जिस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है उसमें अगर तुम पढ़ाई करो, उसमें काम करो, तो तुम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज अब आर्ट के थ्रू मैंने देखा कितनी लोग को हेल्प हो सकती है आर्ट से, बिकॉज आर्ट ऐसा लैंग्वेज है जो सब समझता है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है, राइट? जो किसी को भी पसंद आता है, देखने में खूबसूरत है, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए सबसे बहुत ही बढ़िया माध्यम है आर्ट। जैसा आपने लोगों की बात की, तो लोगों को आर्ट से जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है कि आर्ट को अपनी लाइफ में लाना है, तो आर्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज आर्ट ऐसी फील्ड है जहाँ पे फ्रीडम तो फ्रीडम ही है, कोई इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जिसमें है कि आपको जो मन करे आप बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे आप सैड है, चाहे आप खुश है, चाहे आप गुस्से वाले हैं, आप किसी चीज़ में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है हर इंसान को आर्ट अपने आस्पेक्ट में होना चाहिए, और आर्ट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आर्ट इज पेंटिंग ऑल्सो, आर्ट इज म्यूजिक ऑल्सो, आर्ट इज एक्टिंग ऑल्सो, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इन अ पर्सन्स लाइफ इज वेरी गुड। तो अब आर्ट के साथ साथ आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करने वाले हो, तो आपने आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो मैम? क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ तो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करेगा, और मुझे आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने दिल्ली में किया मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है, इस देश के भविष्य के बारे में सोच रही है, टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। अब तो ऑफकोर्स कोविड की वजह से और भी ज़्यादा इफेक्ट में आ गया हेल्थ, और कितना ज़रूरी है, और एजुकेशन डेफिनेटली, जो आजकल के जो बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, यू नो, इतना स्ट्रेस नहीं करना पढ़ाई पे, इतने स्ट्रेस लेने से बेटर है एजुकेशन में मज़ा आना चाहिए, राइट? ये पार्टी जनरेशन अहेड के बारे में सोच रही है, तो उनके साथ मेरा वो मैच करता है, दैट कॉन्टेक्ट की मतलब टॉक अबाउट द व्हाट गोइंग टू हैपन टुमारो, एंड सो मुझे इसलिए वो पार्टी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू बी एन एजुकेटेड पर्सन हु वॉन्ट्स टू यू नो चेंज लाना चाहते हैं अपने देश में विद माई एजुकेशन, जो मैं क्या पढ़ा है और क्या करना चाहिए आगे। ऐसे कौन से दो या तीन चेंज लाना चाहोगे वाशिंग में से? सो नवी मुंबई में मैं स्टैंड कर रही हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला चीज़ इज़ लाइक मेरा मेजर है मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये चीज़ है जो कोई बात नहीं करता। अभी सुशांत सिंह के केस की वजह से काफ़ी ऊपर आया था एंड पीपल स्पोक अबाउट इट, पर मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग इसका बात नहीं करते। और अगर आर्ट के बारे में सोचा जाए, तो आई एम ऑल्सो एन थेरेप्यूटिक आर्ट लाइफ कोच, वेयर आर्ट को मैं लाइफ कोचिंग में जाती हूँ कि आई कैन हेल्प पीपल विद यू नो एनी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में, सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिज द गैप, यू नो। तो आई थिंक ये सबसे पहले लाना चाहूँगी मैं, लाइक मेक सेफ स्पेसेस फॉर पीपल लाइक टीनेजर्स एंड अडल्ट हु कैन टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ऑल्सो हमारे एरिया में महिला मंडल लाइक की बहुत सारी है, यू नो, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज जैसे केसेस हैं, जिनके बारे में जो जल्दी बात ही नहीं करता है ना। लोग सिर्फ कहते हैं पेड़ पौधा, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, ठीक है ये तो है, बट वो कम्युनिटी, जो चीज़ें प्रॉब्लम लोगों के साथ हैं, इस पर मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, एंड ये सब, ये दो डेफिनेटली चीज़ें विच आई वॉन्ट टू वर्क फॉर। और वेस्ट मैनेजमेंट जो बहुत है, लाइक वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हमारा
कौन सा जो कचरा है हमारे घर का कहाँ जाता है, हमारे जो सफाई वाले आते हैं हमारा लेने के लिए हमारा कचरा कहाँ जाता है, वो उसको मतलब हाउ टू बी रिसाइकल इट, ये सब चीज़ें, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है हमारे कम्युनिटी में। तो मैम आप जैसे कि देख सकते हो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे यंग पॉलिटिक्स है, जैसे कि आदित्य ठाकरे हो गए, जिशन सिद्दीकी हो गए, तो आपको क्या लगता है कि नवी मुंबई में भी यंग पॉलिटिक्स आगे बाहर आने चाहिए और यंग पॉलिटिक्स इंस्पायर करेंगे एक नए कल्चर को ग्रो करने के लिए? आपको लगता है कि यंग पॉलिटिक्स सच में इंस्पायर कर सकते हैं नए कल्चर को डेवलप करने के लिए? हाँ, मतलब यंग पॉलिटिशियंस कैन रियली, यंग पॉलिटिशियंस अभी इस जनरेशन अभी के बारे में सोच रहे हैं और आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड उन लोग का क्या है, अभी तो देश के स्टेटिस्टिक्स देखिए 60% ऑफ आर पॉपुलेशन आर यूथ, है ना, सब छोटे ही है। तो हम लोग को उनके लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचो, व्हाट आर द टीनेजर्स के साथ क्या हो रहा है, आजकल के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, कि हम लोग को इसीलिए पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए जिससे कि ऐसे रूल्स बने, ऐसे लॉज बने जो आगे के जनरेशन को हेल्प कर पाए, जिससे कि उससे ही देश की बढ़पन होगा। बिकॉज अगर तुम देश के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कैपेसिटी में जो लोग हैं, जैसे यूथ है, उनको केटर करोगे तो ही तो देश आगे बढ़ेगा, बिकॉज वो लोग ही करते। बिकॉज क्या होता है आजकल यूथ का क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश में ये नहीं है वो नहीं है, और बहुत लोग बाहर चले जाते हैं इंडिया से, इंडिया के बाहर जाके बोल रहा कि इंडिया में ये नहीं है, तो वो हो नहीं सकता ना। हमें इंडिया को ही बेटर करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे रह के हम बदलाव लाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं, और तभी फिर कर पाएंगे ना। अगर कोई यंग पॉलिटिशियन आता है तो वोट करने भी जब जाएगा भी तो उसको यू नो कनेक्ट होना चाहिए ना, कि जो इंसान बात कर रहा है हाँ मुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, लाइक यू शुड हैव अ कनेक्टिविटी। बिकॉज एज गैप इतनी हो जाती है कि अ यंग वोटर जो 18 ईयर ओल्ड है वो 60 ईयर ओल्ड को वोट नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी मेंटालिटी उसके साथ मैच ही नहीं कर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। सो ऐसे एजेंडाज लाओ जिसमें वोट नए वोटर्स करें, बिकॉज वोट हमारे देश का पावर है, राइट? जो 18 अबव वोट का वोटिंग आई डी कार्ड क्यों बना, तो अगर यंग पॉलिटिशियंस अगर घुसेंगे तो मन करेगा ना यंग वोटर्स को वोट करने का। महाराष्ट्र में अब भी महाविकास आघाड़ी रूल कर रही है, क्या आपको लगता है 5 साल के बाद भी महाविकास आघाड़ी ही रूल करेगी या फिर कोई अलग पार्टी आएगी, जैसे कि बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी होगी, क्या आपको लगता है ये सब पार्टी आएगी क्या महाविकास आघाड़ी ही रूल करेगी? ना ये आंसर तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली, बिकॉज अभी तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पीपल अगेन, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का तो यही ड्यूटी है ना, जो लोग चाहेंगे वही होगा, ये लोकतंत्र है, ये लोग से ही चलता है, वेर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो अब जो लोग जिसमें बिलीव करेंगे वही आगे बढ़ेगा, जो पार्टी अच्छे विकास के लिए आगे करेगी तो वोट तो लोग उन्हीं को ही करेंगे। तो मेरा आंसर इज जस्ट जनरल दैट की लाइक आप अच्छा करो, हम वोट करेंगे और वही पार्टी आगे बढ़ेगी। पिछला साल 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे जनों की लाइफ में चेंजेस आए, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए लॉकडाउन में? ये सीखा पेशेंस, एक चीज जो है ना हमारी, एक तो मुंबई जैसी शहर में जैसे हर चीज में तुम एक मिनट में यहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ जा रहे हो, फिर इस मीटिंग में जाने, उस मीटिंग में जाने, वो लाइफ इतनी वो हो जाती ना कि, और क्या होता है कभी कोई खड़े हो रहे अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, वो होता है ना एक फास्ट सिटी में रहने का वो चीज। कोविड ने मुझे सिखाया कि घर पे रहने के बाद वो पेशेंस आ जाती है कि भाई अभी पूरी दुनिया के साथ ये हो रहा है, ये सिचुएशन अपने हाथ में नहीं है। क्या हो रहा है क्योंकि कोविड जब आया तो सबका हाथ से कंट्रोल छूट गया, राइट? जो हमको लगता था हम कंट्रोल कर पाते हैं, वो एक छोटे से वायरस ने हम सबसे वो कंट्रोल छीन लिया, क्योंकि एवरीबॉडी इज इन दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, पूरे देश में प्रॉब्लम है। तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी, पेशेंस। बहुत सारी मैंने तो कब से बुक्स नहीं उठाई थी पढ़ने के लिए, बिकॉज काम करते रहो पैसा कमाने में, शहर में रहने के लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क। फिर बुक्स पढ़ी, बहुत सारा टाइम मिला कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जो यूजुअली हम नहीं कर पाते अपनी डेली लाइफ में, स्पेशली ऐसे फास्ट मूविंग सिटी के अंदर। सो पेशेंस इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, लाइक जो मैंने सीखा है इसके अंदर।